रतनलाल सिंह बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जलगांव में सुबह सुबह एपेक्स अस्पताल में हंगामे की खबर आई। ये पता चला कि एपेक्स हॉस्पिटल जो है हाईवे पर, वहाँ पर कुछ हंगामा हो रहा है। कोई वहाँ पर एक मरीज भर्ती था जिसकी मौत हो गई और मौत के बाद वहाँ पर मरीज के रिश्तेदार हंगामा कर रहे हैं। जब मीडिया प्रतिनिधि वहाँ पर गए तो जिनकी मौत हुई है उनके मरीज के रिश्तेदार जो थे उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल वालों ने बड़ी लापरवाही की है और अस्पताल की लापरवाही की वजह से उस मरीज की मौत हो गई है। पहले सुनते हैं कि आरोप क्या लगा है और किस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है। डॉक्टर भूल देणारे फासफांडे मॅडम, ते दुसरे कोणी डॉक्टर होते त्यांचं नाव मला माहिती, फिरोड डॉक्टर, हे सगळे तिथे होते। मग म्हणे केस क्रिटिकल आहे, तिला ऑक्सिजन ठेवावं लागेल, ओटीपी करावं लागेल। म्हटलं तुम्ही सांगाल ते मी सगळं करायला तयार आहे। मेडिकल कॉलेजला न्या म्हटलं, इतक्या लांब मला जायचं नाही, माझी पोर वाचली पाहिजे, आम्हाला पेशंट महत्त्वाचा आहे, पैसा महत्त्वाचा नाही, एवढं सांगितलं। इथे आणलं, इथे गर्भपिशवी काढली, इथे 20,000 मेडिसिन मागवलं त्यांनी, किती लावलं काय लावलं का खाली दवाखान्यात जमा करून विकलं। हे डॉक्टर नसून कसाई और या मानला शिक्षा भेटलीच पाहिजे त्या बाईला पण आणि इथल्या डॉक्टरांना पण। मरीज के रिश्तेदार जो ये बता रहे थे कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। दरअसल जब हमने जानकारियां और जुटाई तो ये पता चला कि ये मरीज पहले से ही गाजरे अस्पताल में, श्रीमती गाजरे के इलाज में था और वहाँ पर इलाज चल रहा था। ये गर्भवती थी महिला और गर्भवती महिला का इलाज वहाँ पर चल रहा था। शुक्रवार को शाम के करीब गर्भवती को एक बच्चा भी हुआ जिसके बाद ब्लडिंग शुरू हो गई और वो ब्लडिंग किसी भी तरीके से रुक नहीं रही थी। ब्लडिंग को रोकने का काफ़ी प्रयास किया गया लेकिन जब ब्लडिंग नहीं रुकती नज़र आई तो गाजरे जी जो हैं उन्होंने अपेक्स अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर यूज़ किया और ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन वगैरह करके देखा, काफ़ी सारी दवाइयाँ दी गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 1-1.5 बजे रात को उनके पल्स गिरने लगी और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी और आखिरकार वो मरीज को नहीं बचाया जा सका। देखिए, जहां तक डॉक्टर्स का सवाल है तो लोग ऐसे डॉक्टर्स पे काफ़ी सारे आरोप लगाया करते हैं लेकिन डॉक्टर जो है वो किसी को भी जानबूझकर मौत के मुँह में नहीं धकेल सकता है। कभी कभी गलतियाँ होती है क्योंकि गलतियाँ तो भगवान से भी हो सकती है, तो गलतियाँ होती है, अगर किसी तरीके की मिस्टेक होती है तभी ऐसा कुछ होता है, वरना डॉक्टर जो है अपनी तरीके से पूरा कोशिश करता है कि मरीज को बचाया जा सके। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी डॉक्टर एक जैसे होते हैं, कुछ डॉक्टर बदमाश भी होते हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे घूमते हैं और पैसे की वजह से कभी कभी ऐसी गलतियाँ वो जानबूझकर भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा शायद कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर्स अपने पूरे प्रयास करते हैं। जो अपेक्स अस्पताल है इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स एक साथ मिलकर आए हुए हैं और सभी एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स हैं जो अक्सर मरीजों को बचा ही लिया करते हैं। ये ईश्वर की मर्जी थी कि मरीज बच नहीं पाया, डॉक्टर ने अपना पूरा प्रयास किया, ऐसा स्वयं डॉक्टर का भी कहना रहा है, इसलिए डॉक्टर्स को कृपा करके गलत ना समझा जाए। प्रामाणिकता, शुद्धता और पारदर्शकते से प्रतीक जिस रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है।